नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज हम लोग दो क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। थंबनेल टाइटल देके आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दो क्वेश्चंस यही है दोस्तों, सबके माइंड में यही होंगे कि 2021 में फिर से दुबई में लॉकडाउन लगेगा क्या, और दूसरी बात रमज़ान में अभी आना सही है या गलत है, मतलब थोड़ा रुक के दुबई आ सकते हैं या बाद में आ सकते हैं। तो डीप जाकर थोड़ी सी इस पर हम लोग सोचेंगे कि किस तरीके से हालात है और क्या हो सकता है। तो मैं पहले तो यही बात आपको क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, जिनके भी दिमाग में ये क्वेश्चन है कि फिर से दुबई में लॉकडाउन होगा क्या और जाना ज़रूरी है या नहीं है, या थोड़ा रुक के जाए दुबई जॉब सर्चिंग के लिए, तो मैं उन सभी को यही बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए लॉकडाउन अभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से नहीं होगा, इवन पहले भी लॉकडाउन नहीं था दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगती है, ठीक है। और लॉकडाउन मतलब स्टरलाइजेशन प्रोग्राम होता था, मतलब वो रात में 11 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक ये लोग स्टरलाइजेशन करते थे, मतलब यहाँ पे वहाँ पे जो भी रोड साफ सफाई करना, वहाँ पे केमिकल्स स्प्रेड करना, मतलब डिसइंफेक्शन करना, ये जो था यही था। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ आप घर बैठो, घर से ही काम करो, लॉकडाउन है, ये ना पहले हुआ था ना आगे जाकर होगा। इसके दो बड़े रीज़न है दोस्तों। देखिए दुबई जो है ये काम करने वालों की कंट्री है, यहाँ पे हर बंदा यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब करता है, हर बंदे का कोई ना कोई बिजनेस है। यहाँ पे आपको ऐसा कोई बाहर के कंट्री का बंदा नहीं मिलेगा जो ऐश कर रहा है यहाँ बैठ के, ठीक है। हाँ वो उसके पापा अगर जॉब कर रहे हो तो बेटे ऐश कर रहे होंगे, ठीक है, मगर कोई ना कोई यहाँ पे जॉब ही कर रहा होगा या बिजनेस ही कर रहा होगा। विदाउट जॉब विदाउट बिजनेस के यहाँ पे सर्वाइव कोई नहीं कर सकता है। रेंट यहाँ पे अच्छे खासे होते हैं, घर के बाकी के खर्चे अच्छे खासे होते हैं, तो इस तरीके से नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को सारी बातें पता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये लॉकडाउन ये चीज़ें नहीं होंगी। रिस्ट्रिक्शंस होती है जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, आप मास्क आपने कंपलसरी पहनना है, इस तरीके से ही यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो आपने ये बात जो है वो दिमाग से निकाल देनी है कि यहाँ पे आगे जाकर कोई लॉकडाउन होगा कोरोना रिलेटेड, तो नहीं होगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग से निकाल लिए। और अगर आपका कोई प्लान है दुबई आने का या दुबई जॉब सर्चिंग का, तो आप ज़रूर उसको वर्कआउट कीजिए। और जिस तरीके से अपने यहाँ के हाल, चलो हम मैं उस बारे में नहीं बोलूँगा। और दूसरा पॉइंट, काफ़ी सारे लोग मुझे यही पूछ रहे थे कि सर अभी रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में आना सही रहेगा या नहीं, तो उस पॉइंट के ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या होता है दोस्तों, देखिए अभी तकरीबन एक साल, मतलब लास्ट दिसंबर से ये दिसंबर भी चला गया और अभी भी हालात अभी इतने अच्छे नहीं हुए हैं जैसे नॉर्मल लाइफ कोरोना से पहले थी, उस तरीके से लाइफ अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है, ठीक है। लोगों को यहाँ पे बिजनेस की ज़रूरत है, लोगों को यहाँ पे जॉब की ज़रूरत है, लोगों को यहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, लोगों को यहाँ पे काम की ज़रूरत है, ठीक है। तो रमज़ान तो होगा ही होगा, उसमें कोई बात नहीं है, मगर ये मत सोचिए कि उस टाइम पे जॉब्स आपको नहीं मिलेंगे, पहले की तरह नहीं होगा। मतलब जैसे मैं पहले क्या होता था, रमज़ान के टाइमिंग में जो ऑफिसेस है या जो भी बिजनेस है वो क्लोज रहते थे, लोग छुट्टी लेके अपने कंट्री जाते थे, और ये बातें थोड़ी सी कम होगी क्योंकि जो पिछला साल है वो बहुत बुरा गुजरा है जिनके अपने खुद के यहाँ पे बिजनेस थे उनके लिए, तो वो रिकवर करने के लिए यहाँ पे उस तरीके से नहीं होगा जैसे पहले होता था, वो कंपनी क्लोज करो, आधे दिन की छुट्टी दे दो या आप घर चले जाओ। इवन मैं खुद
कोरोना के पहले मैं रमज़ान में वैकेशन लेके मैं इंडिया जाता था, तो वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस की ज़रूरत है हर किसी को। जो लोगों का खुद का बिज़नेस है उनको पैसे की ज़रूरत है, बिज़नेस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लॉस हो चुका है जो पिछला एक साल रहा है, उसमें उसको रिकवर भी करना है। ठीक है, तो जो दो सवालों के जवाब मैंने आपके दिमाग में थे उसके जवाब दे दिए। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो मेरे पिछले वाले सारे वीडियोस देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए। ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और चलो इसी तरीके से और वीडियो लेकर मैं ज़रूर आपके लिए आऊँगा। बाय बाय, थैंक यू।